हेलो एवरीवन, आज हम एक और टेक्निक और एक और प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं जो है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी इज़ नॉन सर्जिकल मिनिमल इन्वेसिव मेथड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लोकल ड्रग डिलीवरी। ठीक है, देखिए जब भी हम ओरली ड्रग लेते हैं, ओरली कोई भी डोजेज लेते हैं, हमने अपनी डेंटिस्ट्री या मेडिकल लाइन में पढ़ा होगा, तो उसका पूरा जो इफेक्ट आता है ओरली ड्रग डिलीवरी का, वो पूरे सिस्टम पर आता है, पूरे ऑर्गन्स पर आता है। पूरे सिस्टम पर इफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ओरली ड्रग लिया और वो हमारे सिर्फ टारगेट एरिया को इफेक्ट करेगा। ओरली जब भी हम ड्रग लेते हैं, वो हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है उसका लीवर में, देन इट विल एक्सक्रीट थ्रू द किडनी। तो हमारे सारे ऑर्गन से जाते हुए वो उन पर इफेक्ट डालता है, उसका सिस्टमिक इफेक्ट भी आता है। सेकेंड क्या होता है ओरली ड्रग लेने का डिसएडवांटेज, कि ये जो है अमाउंट ऑफ जो डोज लेते हैं वो ज़्यादा होता है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ की बात करें, तो अगर हम लोकली किसी ड्रग को अप्लाई करें टारगेट एरिया के ऊपर, तो वो डोजेज भी कम होंगी उसकी और उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी होगा और अदर सिस्टमिक इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो मीजोथेरेपी इसी तरीके का एक प्रोसीजर है, ये कि नॉन सर्जिकल है, मिनिमली इन्वेजिव है। इसमें क्या है कि हम एक ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल अमाउंट ऑफ ड्रग ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। एंड इट इज़ ए टेक्निक इन विच वी कैन अप्लाई द ड्रग और वी कैन अप्लाई द इंजेक्शन इंट्राडर्मली, सबक्यूटेनियसली और ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अंडरस्टूड? तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था। सबसे पहले ये मेडिसिन में या डेंटिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी? ठीक है, मीजोथेरेपी फॉर द फर्स्ट टाइम वर डेवलप्ड इन 1952 बाई डॉक्टर पिस्टर, हु वॉज ए फ्रेंच फिजिशियन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड वेस्कुलर डिसऑर्डर। सो पिस्टर कॉइन्ड द टर्म मीजोथेरेपी, सो ही डिफाइन इट एज द ट्रीटमेंट ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म बोले तो दैट मीन्स द प्राइमरी जर्म लेयर दैट डेवलप इन टू द कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब एक मिडल लेयर पर स्किन होती है, उसके अंदर अगर हम कोई लोकली ड्रग इंजेक्ट करते हैं, उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को हम मीजोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पूरे मेडिकल लाइन में ही यूज़ हो, ये डेंटिस्ट्री में भी हो सकता है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में भी लोकली ड्रग को एप्लीकेशन किया जाता है, लोकली ड्रग अप्लाई किए जाते हैं टारगेट एरिया के ऊपर। ठीक है, बट इनिशियली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो था मेडिसिन से, जनरल मेडिसिन से। ठीक है, उसमें भी ये इंडिकेटेड कहाँ था। ठीक है, मीजोथेरेपी जो है इस लाइक ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो दैट्स वाई इट क्लेम टू हैव ए वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। सबसे पहले ये एस्थेटिक पर्पज से यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की या सिस्टमिक इफेक्ट की, तो ये बॉडी में यूज़ हो सकता था लाइपोडिसॉल्व एजेंट के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें स्किन के लिए, तो ये लिफ्ट, ग्लो और पिगमेंटेशन में यूज़ किया जाता था। अगर हम बात करें हेयर्स की, तो ये एज इन द फॉर्म ऑफ PRP थेरेपी यूज़ करते हैं आज भी रिसेंट एरा में। ठीक है, तो ये पहले एक जनरल डेंटिस्ट्री या जनरल मेडिसिन के रूप में और कॉस्मेटिक एरियाज़ में, एस्थेटिक एरियाज़ में यूज़ होता था। बस रिसेंटली ये डेंटिस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट या सक्सेसफुल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने इस केस की, तो हमारे पास दो केसेस आए थे। ठीक है, जिसमें कि पेशेंट का कंप्लेंट था कि उसको 2 से 3 महीने से ये जिंजाइवल इन्फ्लामेशन है, इसमें स्वेलिंग है। ठीक है, तो हमने स्केलिंग किया, रूट प्लानिंग किया, क्यूरेटाज किया, उसके बाद हमने गम पेंट दिया, देन उसके बाद भी हमने अगर देखा 10 दिनों के बाद पेशेंट को वापस से बुलाया था, उसके बाद भी स्वेलिंग उतना का उतना ही था। देखिए इस तरह, इस यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन देखिए या तो सॉफ्ट एंड एडिमेटस होगी या फिर वो फाइब्रोटिक होगी। देखिए अगर सॉफ्ट होता है जिंजाइवे की कंसिस्टी, एडिमेटस होती है, तो हम वो स्केलिंग से या फिर दैट इज़ फॉलोड बाय द गम पेंट, उससे भी रिड्यूस हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है, अंटिल अनलेस वो किसी और सिस्टमिक डिजीज से या फिर किसी और कंडीशन से, सिस्टमिक कंडीशन से लिंक ना हो। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशंस में हमें पहले मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, ताकि हमें पता लगे कि वो सिस्टमिक किसी भी ड्रग से या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई ड्रग उसका एब्यूज़ पहले नहीं हुआ या फिर और कोई सिस्टमिक कंडीशन नहीं है जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहा है और जो उसका उसके ड्रग का साइड इफेक्ट।
स्वेलिंग परसिस्टेंट हो जाती है, तो या तो हम सर्जिकली उसको जिंजिवोप्लास्टी करके रीशेपिंग ऑफ जिंजाइवा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक की बात करें तो हमने मीजोथेरेपी का एप्लीकेशन किया था। मीजोथेरेपी के थ्रू हमने दो ड्रग्स थे, एक में इस केस के अंदर हमने विटामिन सी का यूज़ किया था और एक और केस आया था हमने उसके अंदर हमने पीआरपी का यूज़ किया था। ठीक है, तो देखिए ये विटामिन सी का इंजेक्शन हमने यूज़ किया है और अलॉन्ग विद दैट हमने इंसुलिन सिरिंज यूज़ किया है क्योंकि वो बहुत ही कम पेनफुल और लेस ट्रॉमेटिक होती है। देखिए इस तरीके से हमने विटामिन सी का इंजेक्शन है जो मिडल लेयर ऑफ द स्किन में और सबक्यूटेनियसली हमने डिलीवर दिया है किया है। देखिए एक जो एप्लीकेशन थी वो हमने 10 दिनों के बाद करी थी आफ्टर द स्केलिंग, जबकि जो इसका इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होती। दूसरी एप्लीकेशन हमने करी थी 7 दिनों के बाद आफ्टर द 1 वीक ऑफ फॉलोअप। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कंपैरेटिवली देख इफेक्ट देख सकते हो कि इस जो पहला पिक्चर है जो हमारे पास इनिशियली आया था 10 दिन के स्केलिंग के बाद आया था उतना स्वेलिंग था, एंड आफ्टर द 2 वीक जब हमने एप्लीकेशन किया है विटामिन सी का तो कितना इन्फ्लामेशन इसका रिड्यूस हो चुका है। कंडीशन थी उसका भी जो फाइब्रोटिक था जिंजाइवा, सॉफ्ट एंड एडिमेटस कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो हम या तो उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते थे या फिर हम मीजोथेरेपी। तो हमने मीजोथेरेपी चूज़ किया एंड उसमें भी पहले जो केस था उसमें हमने विटामिन सी का यूज़ किया था, इस केस में हमने पीआरपी के बाद हमने इंसुलिन सिरिंज में लोड करने के बाद उसको सेम तरीके से सेम मेथड से और सेम इंटरवल पे तो उसको डिलीवर किया पेशेंट के मिडल लेयर ऑफ द स्किन में। 1 हफ्ते बाद फिर से हमने पेशेंट को बुलाया एंड अगेन सेम अमाउंट ऑफ इंजेक्शन सेम अमाउंट ऑफ पीआरपी इज डिलीवर्ड इन टू द स्किन। दोनों के तरीके सेम थे, दोनों का टाइम इंटरवल सेम था, दोनों का ड्रग का डोजेस सेम था, लेकिन एक में हमने विटामिन सी का यूज़ किया था, एक में हमने पीआरपी का यूज़ किया था। सो वी कैन कंक्लूड इट के हम नॉन इन्वेजिव मेथड से भी जिंजाइवा के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हैं अंटिल अनलेस वो फाइब्रोटिक है या फिर वो परसिस्टेंट है, वो बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से है। ठीक है, सो इन सिचुएशंस में हम मीजोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, एंड देर आर वेरियस ड्रग्स जो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने विटामिन सी और पीआरपी यूज़ किया है, और भी कई तरह के ड्रग्स हैं, कई तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, इवन द कॉर्टिकोस्टीरोइड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द परसिस्टेंट जिंजाइवल इन्फ्लामेशन। थैंक यू सो मच। थेरेपी के बारे में डिटेल में जानना है, इन केसेस के बारे में जानना है, या कंपेरेटिव जो भी इनका इफेक्ट आया वो जानना है, तो इससे रिलेटेड मेरा एक ओरिजिनल आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है जो कि जर्नल्स ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हुआ है, तो आप वो जल्दी ही ऑनलाइन आने वाला है, मैं उसका लिंक जो है शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके रीड कर सकते हो। और अगर मेरी स्टडीज से रिलेटेड या मेरी और भी रिसर्चेज आपको पढ़नी है तो आप गूगल पर जाकर रिसर्च गेट पर मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उसमें मेरी सारी स्टडीज़ हैं, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। आप भी उससे रिलेटेड या उससे कंपेरेटिव इफेक्ट में अपना रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।